हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ अरबी की फ्राई सब्जी। ये देखिए, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इसको उबाल ली हूँ। उबालने के बाद इसको देखिए, छिलने के लिए मैंने एक साइड से इसको निकाल दी और पीछे से इसको थोड़ी सी पुश कर दी हूँ, दबा दी हूँ, तो ये निकल गया है। ऐसे करके मैं इसको छील ली हूँ। इसको उबालने उतने तक है जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना उबालें, ताकि इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा उबालने के बाद ये फ्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट होने तक ही सिर्फ उबालने हैं। और ये छिलके छिलने के बाद इसको चार टुकड़े में काट दे रही हूँ। देखिए, ऐसे करके मैं इसको सारे को काट ली हूँ। इधर कढ़ाई गर्म होने दे दी है, कढ़ाई गर्म हो गया है। यहाँ 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ और इसमें 1 पिंच हींग और 1/2 चम्मच जिससे मैंने यहाँ अजवाइन और 1/2 चम्मच राई, मस्टर्ड सीड जिसको बोलते हैं, ये तीनों को यहाँ डाल दे रही हूँ। ये चटक जाने के बाद इसमें सब्जी डालना है। तो ये देखिए, चटक रहा है, ये चटक गया है। तो इसमें इसके बाद इसमें राई डाल देती हूँ। राई 1/2 चम्मच है, जो भी है, ब्लैक वाला हो या वाइट वाला हो, पीला वाला जो आता है वो, इसको आप कोई भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च काट ली थी, इसको लंबे लंबे करके। और यहाँ 1 चम्मच जैसा हल्दी डाल दी हूँ और प्याज काट ली हूँ 1 मीडियम साइज का, जिसको रफली काटी हूँ। और इसको देखिए फ्राई कर देते हैं। यहाँ हरा मिर्च डाले हैं, ये जिसको तीखा पसंद है वो तीखा भी हो जाएंगे। और यहाँ 1 चम्मच नमक और हरी मिर्च डालने के बाद ये जो इसको पसंद नहीं है उसको उठा के अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इसमें अदरक, लहसुन और जीरा और काली मिर्च का चारों को मसाला फ्राई हो गए हैं। अब इसमें अरबी डाल दे रही हूँ। इसको डालने के बाद इसको मसाले जब तक ना मिल जाए तब तक इसको ऐसे ही भूखते रहना है। ये मसाले भी फ्राई हो रहे हैं और प्याज भी, ये सब्जी भी धीरे धीरे क्रिस्पी होने लगेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पका रही हूँ ताकि मसाले ना जले। और उसके बाद मैं यहाँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें देखिए, आमचूर पाउडर डालने के बाद इसको मिला देते हैं, क्योंकि ये खट्टे होते हैं तो पहले डाल देने के बाद वो नहीं ठीक से मसाले भुगाने देते। इसके बाद मैंने यहाँ 1/2 चम्मच जैसा धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। धनिया का स्वाद इसमें बहुत टेस्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसका टेस्ट। तो धनिया पाउडर यहाँ 1/2 चम्मच डाल दे रही हूँ। बस हो गए हैं, इसमें सारे मसाले डला गए हैं। अब मैं यहाँ तीखा मिर्च, अगर ज़्यादा तीखा खाना है तो आप डाल सकते हो लाल मिर्च, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाने के बाद इसको ऐसे ही उलट पुलट के देखिए, इसका मसाले धीरे धीरे कलर इसका चेंज होने लगा है। अब इसको ऐसे ही पकाना है बहुत ज़्यादा देर। देखिए, ऐसे ही चार ओवर करके इसमें से 3 से 5 मिनट तक इसको, फिर देखिए अरबी का भुजिया तैयार हो गया है। इसी तरह करके आप सब भी ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े आएंगे खाने में। आप सफ़र में भी इसको ले जा सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो को लाइक